नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। और कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी दोस्तों, तो डेफिनेटली कुछ मोमेंटम हमें कल देखने को मिल सकता है। एज वेल एज अगले हफ्ते बजट है, तो बजट से पहले एक तो थोड़ा करेक्शन या ऊपर जाने की ज़्यादा ऊपर मतलब दोनों साइड जाने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन हम चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करेंगे और चार्ट के हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो डेली टाइम फ्रेम पे दो कंटिन्यूस डोजी कैंडल बनी है। डोजी का मीनिंग तो सबको पता रहेगा दोस्तों, बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल इन डोजी। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स भी ज़्यादा हमें दिख रहे हैं और सेलर्स भी दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसका ज़्यादा प्रभाव अगले कुछ दिनों में मार्केट में दिखेगा, है ये जो कल का डोजी बना है। इस डोजी के नीचे अगर डाउन साइड में एक अच्छा रेड कैंडल क्लोज हो गया, तो यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ खत्म होते हुए हमें शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। वो कितना करेक्शन होगा ये मुझे भी पता नहीं, कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन इस लेवल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल, तो डेफिनेटली यहाँ से 24,500 से लेके वापिस मुझे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 24,000 तक, मतलब 500 पॉइंट का यहाँ पे कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो हमें कैसे काम करना है दोस्तों, वो देख लेते हैं कल के लिए। तो यहाँ पे और दूसरी बात, अगर ये कल का जो डोजी बना है, ओके मतलब कल कल का जो डोजी बना है उसके अब ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, तो एक अच्छा मोमेंट हमें वापस 25,000 तक देखने को मिल सकता है। अगर कल के डोजी के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गया तो 25,000 फिक्स है, और परसों का जो डोजी बना था उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल गया तो 24,000 फिक्स है, मतलब प्रोबेबिलिटी है 24,000 और 25,000 का। ओके, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया है दोस्तों, यहाँ पे हम कल के लिए इंट्राडे के लिए देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा हो, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा, और शॉर्टली मतलब लेवल्स के हिसाब से ही बताऊंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको मार्क करके जो एरोज है ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखे हैं। लेवल ये लेवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 24,570, 24,570 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जो ऊपर के लेवल है दोस्तों, 24,660, 24,660 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो इस लेवल के ऊपर हम कॉल में बैठेंगे और इस लेवल के नीचे हम पुट में बैठेंगे। ये तो फिक्स हो गया कि दो लेवल है, इस लेवल्स के हिसाब से ही काम करेंगे। इसके बीच में जो हमारा 60-70 पॉइंट का जो रेंज है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। इस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पहली बार यहाँ पे निफ्टी ने जब हाई बनाया था वहीं से वापस एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, कहीं ना कहीं इस लेवल पे 24,470 के आसपास सपोर्ट लिया वापस। यहाँ से दूसरे दिन वापस यहाँ पे आप देखोगे तो वही लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, इसलिए मैंने इसको रेड रेड एरो में मार्क किया। वो अगले दिन मार्केट ओपन हुआ लेकिन नीचे गए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बायस का स्ट्रेंथ देखने को मिला, और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट रिटेस्ट यहाँ पे दो बार टेस्ट किया सपोर्ट को। पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे ग्रीन, दो बार ऊपर गया मार्केट, वापस आया थर्ड टाइम सपोर्ट ऊपर गया, अभी फोर्थ टाइम वापस यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन है दोस्तों, इस सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि लेवल बताता है दोस्तों सपोर्ट का हमारे लिए 24,560 का, जो पहले हमें रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था 24,560। अभी 560 एग्जैक्ट लेवल नहीं, मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा 24,540 का। ओके, 540 का लेवल हम ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर इसके नीचे वो अगर मार्केट कैसे काम करता है वो देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है और इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन दे देता है, तो यहाँ पे फॉलो अप कैंडल लेंगे हम, यहाँ पे मतलब कंफर्मेशन लेंगे।
अगर यहाँ पे रेड में क्लोज हो जाता है, वापस यहाँ पे पुल बैक में आता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस रेड कैंडल बनता है, तो हम इमिडिएटली पुट में बैठेंगे। यहाँ से इमिडिएटली हमारा 24,470 ये टारगेट रहेगा। लगभग 100 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे निफ्टी में इस लेवल तक। इस लेवल में मैं किसी भी हालत में 100% जो भी मेरा क्वांटिटी रहेगा वो बुक कर लेगा। मैं ज़्यादा लालच में नहीं बैठूंगा। कल एक्सपायरी है तो हमें एक्सपायरी के हिसाब से ही ट्रेड प्लान करना है। ओके दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड जाने के बजाय ऊपर के साइड निकलता है, ओके, तो कुछ नहीं करना है, इस लेवल का वापस देखना है। यहाँ पे आने के बाद अगर निफ्टी वापस रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना है और उस सपोर्ट को वापस ब्रेक करके नीचे आ रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉलो कैंडल भी मिल गया, तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको या इस लेवल पे ऐसे लगाना है जो रिस्क ले सकते हो। जो ट्रेडर रिस्क ले सकते हो वही इस ट्रेड को प्लान करे। सेफ ट्रेडर्स को मैंने लेवल बता दिया है, 24,550 के नीचे ये ट्रेड करना है पुट के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा रिस्क और बड़ा रिवार्ड लेना चाहते हैं, तो डेफिनेट बड़ा मतलब यहाँ पे छोटा रिस्क रहेगा लेकिन रिवार्ड बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन के बाद, कंफर्मेशन भी मिलता है, तो पुट में बैठ जाएंगे। हमारा यही असल रहेगा। टारगेट दोस्तों हमारा फर्स्ट रहेगा 570, सेकंड टारगेट 470, 200 पॉइंट का टारगेट, 200 नहीं, लगभग यहाँ से आप देखोगे तो टारगेट हो जाएगा हमारा 640 से लेके 500, 200 पॉइंट के आसपास आप मतलब 170 180 पॉइंट आपका टारगेट रहेगा निफ्टी में। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी गैप डाउन ही ओपन होते हुए आपको दिख रहा है, उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली पुल बैक में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पुल बैक में ही हम रेड कैंडल मिलते ही हम यहाँ पे पुट में एंट्री ले लेंगे और वहाँ से वापस हमारा वही टारगेट रहेगा 24,470 का। ओके दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास एक बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिल जाएगा और इस कैंडल के नीचे जैसे ही सेकेंड कैंडल क्लोज हो जाएगा, हम यहाँ पे पुट में हम इमिडिएटली बैठ जाएंगे। हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई एसएल रहेगा, टारगेट 570 और 470, ये दो टारगेट्स रहेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी एग्जॉस्ट हो चुका है पिछले 2 4 दिनों से, आप देखोगे तो एक ही रेंज में कहीं ना कहीं काम चल रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑप्शन बायर के लिए एक बड़ा मोमेंट मतलब बड़ा रैली चाहिए पैसा कमाने के लिए। तो डेफिनेटली कल एक्सपायरी है, तो मैं ऑप्शन बायर्स को बताना चाहूँगा दोस्तों ये लेवल बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा आप यहाँ पे एक अच्छा पैसा बनाने का मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो नीचे के साइड में और ऊपर के साइड में 650 के ऊपर। ओके तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का देख लिया है, बैंक निफ्टी का वीकली देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का सिर्फ पुट और कॉल का लेवल मैं आपको बताता हूँ किस लेवल पे आपको कैसे काम करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली पिछले 5 6 दिन से आप देखोगे 1 हफ्ते से एक ही रेंज में काम कर रहा है। हमारा लेवल्स अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट लेवल है 52,750, इस लेवल के नीचे ही इस लेवल के ऊपर ही हम कॉल में बैठेंगे। और सेकंड जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है पुट का, ये पुट का लेवल फर्स्ट लेवल में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके देता हूँ। इस लेवल के नीचे हम पुट में बैठेंगे 52,150 के नीचे, 750 के ऊपर कॉल में और 150 के नीचे पुट में। यहाँ से लगभग ये आपको 800 900 पॉइंट का टारगेट देखने को मिलेगा और ऊपर में 500 600 पॉइंट का टारगेट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस कर लिया है, वीकली में या डेली में और इंट्राडे में। अगर दोस्तों यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।